बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आप लोग कैसे हो सब? आपका आज का जो टॉपिक है वो है हिस्टोग्राम। आप लोगों को कल के लेक्चर में मैंने बताया बार चार्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोगों ने हिस्टोग्राम पढ़ना है। सबसे पहली बात कि हम हिस्टोग्राम ड्रॉ क्यों करते हैं। हिस्टोग्राम तब हम ड्रॉ करते हैं जब हमें क्लास जरूरत पड़ती है अपने डेटा को एक पिक्चर देने की। आप लोगों ने कई किस्म के ग्राफ्स टीवी पर देखे होंगे, नेट पर देखे होंगे, जिसमें आपको एक पिक्चर नजर आ जाती है, एक ट्रेंड पता चल जाता है कि डेटा का ट्रेंड क्या है। तो बेसिकली ग्राफ बनाने का पर्पस ये होता है कि हम कुछ पैटर्न्स यूज करके, कुछ पिक्चर्स यूज करके ऑडियंस को बता सकें कि आपका डाटा हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, या हम अपने डाटा को डिस्क्राइब कर सके बाय यूजिंग पिक्चर्स। सो हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम बेसिकली एक ग्राफ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोइंग द क्लासेस and the vertical axis showing the frequency count for equal class weights. The rectangle having a height equal to the frequency in each class. यानी आपके पास कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में सेकंड लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने कंस्ट्रक्ट की, आप लोगों ने क्लासेस बनाई, क्लासेस के सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज को शो किया। तो यही काम है, जब आपके पास क्लासेस होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी होंगी, यानी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के पास होगा, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोगों ने ग्राफ की सूरत देनी है, तो वो हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं? बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टली जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्लासेस को शो कर देते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर, और वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को शो कर देते हैं। फिर हम लोग दोनों एक्सिस की क्लासेस की उनके कोरस्पॉन्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बार्स ड्रॉ करते हैं। अब बार्स की जो हाइट है वो हमें बताती है कि हर क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये आप लोगों की फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम को शो करती है। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ने जा रही हूँ। ऑल्दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर यूजफुल फॉर एनालाइजिंग लार्ज सेट्स ऑफ डेटा, दे आर प्रेजेंटेड इन टेबल फॉर्मेट एंड मे नॉट बी एज विजुअली इंफॉर्मेटिव एज अ ग्राफ। वो टेबल तो हमें दे दिया जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन एक जो पिक्चर हमें नजर आती है यानी विजुअल वे जो होता है वो ज्यादा बेस्ट वे होता है एज कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए हम टेबुलर मेथड से एक स्टेप आगे मूव करके आते हैं और अपने डाटा को ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट करते हैं। इफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, अ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम लोग उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से इजीली हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो आपने ये भी याद रखना है, ये कंपैरिजन भी आपने याद रखना है, डिफरेंस रखना है अपने माइंड में कि जो हिस्टोग्राम है वो ओनली क्वांटिटेटिव ग्राफ, जो आपका क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है फ्रीक्वेंसी, उसके लिए यूज किया जाता है। हिस्टोग्राम क्वालिटेटिव के लिए हम नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आपके पास बार चार्ट्स होते हैं, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट और पाई चार्ट। ओके, अब फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, इन मेनी केसेस द हिस्टोग्राम ऑफर्स अ सुपीरियर फॉर्मेट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये कंसीडरेबल है आपके लिए। हिस्टोग्राम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज क्वालिटेटिव, मैंने आपको बता दिया। हाउएवर अ सिमिलर ग्राफ कॉल्ड अ बार चार्ट डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर, वो भी मैंने आपको कल बार चार्ट के ऊपर लेक्चर पूरा दे दिया है, वो आप लोग नेट से डाउनलोड करें और उसको सुने, बार चार्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही इजी है। हिस्टोग्राम देखते हैं जी, ये आपके पास क्या शो करता है। हिस्टोग्राम शोज थ्री जनरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स अ विजुअल इंडिकेशन ऑफ वेयर द अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ डाटा इज, यानी आपका हम लोग विजुअली देख लेते हैं कि आपके डाटा का सेंटर क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं, फिर उसके बाद यानी एक पिक्चर से हमें नजर आ जाता है कि आपके डाटा का सेंटर क्या है। देन आप लोगों का सेकंड पॉइंट क्या है, वी कैन गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिग्री ऑफ स्प्रेड इन द डाटा, और हम लोग सेंटर के अलावा डाटा के स्प्रेड को भी देख सकते हैं कि डाटा में स्प्रेड कितना पाया जाता है। द मोर द डाटा क्लस्टर अराउंड द सेंटर, जितना डाटा जो है वो सेंटर के इर्द गिर्द पाया जाएगा, द स्मॉलर द वेरिएशन इन द डाटा, डाटा में वेरिएशन उतनी ही कम होगी। ओके, इस पॉइंट में आपको ग्राफिकली समझाती हूँ। ये देखें, आपके पास तीन किस्म के ग्राफ यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम किस तरह से होते हैं, ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होते हैं, ठीक है, और आपस में मिले होते हैं तमाम रेक्टेंगल्स,
इनको हिस्टोग्राम कहते हैं। सबसे पहली बात, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का जो हमें फायदा है, आपको नजर आ रहा है कि एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि ग्राफ की शेप क्या है। कैसे कि अगर इनके मिड पॉइंट्स को, इन जो रेक्टेंगल्स हैं इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, तो इनको ज्वाइन करके हमें पता चल रहा है कि डेटा पहले राइज हो रहा है, एक पीक पॉइंट है डेटा का, देन इट इज डिक्लाइन। तो ये डेटा का ट्रेंड हमें पता चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड वन ग्राफ भी आपको डेटा का ट्रेंड शो कर रहा है कि पहले ये राइज हो रहा है, 4 पॉइंट तक ये राइज हुआ, पीक पॉइंट था 4 पॉइंट से, 5th पॉइंट 6 पॉइंट पे ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। थर्ड में भी आपको यही ग्राफ बता रहा है। अब ट्रेंड देखने के बाद हमने देखना होता है आपके हिस्टोग्राम का सेंटर क्या है, यानी हिस्टोग्राम ड्रॉ करके हमारे हमें फायदा क्या होता है, हमें डाटा का सेंटर यानी डाटा की लोकेशन पता चल जाती है। अब आपके फर्स्ट वन पिंक ग्राफ में डाटा की लोकेशन क्या है, 400, यानी डाटा का सेंटर पॉइंट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड में आपका डाटा का सेंटर पॉइंट क्या है, 300। थर्ड में आपके डाटा का सेंटर पॉइंट क्या है, 600। ओके, ये हम लोगों ने हिस्टोग्राम से डाटा की लोकेशंस देखनी है कि डाटा का सेंटर पॉइंट के, जब हमें डाटा का सेंटर पॉइंट देखना होता है, हम हिस्टोग्राम से इजीली विजुअल वे से इसको देख सकते हैं कि इसका सेंटर क्या है। पिंक का देखें, येलो का देखें और ब्लू का देखें। ओके, अब हमें देखना है कि डाटा का स्प्रेड क्या होता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि दो चीजें हिस्टोग्राम हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था, एक डाटा की सेंटर क्या है हमारे पास और एक डाटा का स्प्रेड क्या है। सेंटर तो हमारे पास 400 है, स्प्रेड देख रहे हो कि इस 400 से यहाँ तक लास्ट पॉइंट जो है, यानी इस एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपकी ना स्क्रीन नहीं नजर आ रही, नजर नहीं आ रही, वेट अ मिनट। अब नजर आ रही है आपको? Yes, जी मैम, आप भाई। ओके, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ग्राफ्स, ठीक है। ये आपके पास तीन किस्म के ग्राफ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मैं इसको रिपीट करती हूँ। अब ये तीन किस्म के ग्राफ जो हैं, एक आपके पास क्या है, पिंक कलर का, एक येलो है, एक ब्लू है, ये तीनों ही आपके पास हिस्टोग्राम है। ओके, हिस्टोग्राम हमें क्या बताते हैं, सबसे पहले तो इनकी शेप जो होती है ये रेक्टेंगल्स बने होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये रेक्टेंगल्स आपस में मिले होते हैं, जितने एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होते हैं आपस में जुड़े होते हैं इस तरह से, आपने ऐसे ही हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना होता है। फिर उसके बाद हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने का फायदा हमें क्या होता है, पहला पॉइंट कि ये हमें सेंटर बता देता है डाटा का। दिस वन, फर्स्ट वन पिंक आप ग्राफ देख रहे हो, आपके पास डाटा का सेंटर 400 है। सेकेंड वन आप ग्राफ देख रहे हो, डाटा का सेंटर 300 है। थर्ड वन ग्राफ देखो, डाटा का सेंटर 600 है। सो हमें हिस्टोग्राम से हम लोग डाटा के सेंटर या डाटा की लोकेशन देख लेते हैं, डाटा की लोकेशन क्या है, किस जगह पर लाई कर रहा है। फिर उसके बाद आप लोग डाटा का स्प्रेड देख लेते हो, डाटा का स्प्रेड क्या देखें, 400 से लेके ये 300 पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है आपका, फिर 400 से 500 तक कितना डिस्टेंस है, इसको हम स्प्रेड कहते हैं, यानी सेंटर से तमाम वैल्यूज का डिस्टेंस क्या है। दिस वन बहुत ही कम आप देख रहे हो, यानी 100-100 का डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये बहुत ही क्लोज किस्म का ग्राफ है। तो जिस डाटा में आपके पास वेरिएशन यानी ये स्प्रेड कम होता है, उसको हम कहते हैं कि इस डाटा में वेरिएशन बहुत कम है, और जिस डाटा में वेरिएशन कम होती है वो डाटा कंसिस्टेंट कंसीडर होता है, अच्छा डाटा माना जाता है। लाइकवाइज 300 जिसका सेंटर है, लाइकवाइज 600 जिसका सेंटर है, लेकिन अगर हम कंपेरिजन करें तो आपके पास हर एक का 100-100 का डिस्टेंस है, यानी तीनों एक ही तरह के आपके ग्राफ हैं, तीनों में 100-100 की वेरिएशन है आपके पास, और तीनों का सेंटर डिफरेंट है, एक का सेंटर 400 है, एक का सेंटर 300 है और एक का सेंटर 600 है। सो हमें हिस्टोग्राम से दो किस्म की मेन इंफॉर्मेशन मिलती है, एक विजुअल वे से, एक हमारे पास ये होती है कि डाटा का सेंटर क्या है, दूसरा हमें पता चलता है कि डाटा का स्प्रेड कितना है, ये डाटा में वेरिएशन कितनी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के पास एक एग्जांपल है, देखें, इवन फॉर एप्लीकेशन विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा सच एज द ब्लॉकबस्टर एग्जांपल, कंस्ट्रक्टिंग ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर हिस्टोग्राम्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकर्स मे हेजिटेट टू ट्राई डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्लासेस एंड डिफरेंट क्लास लिमिट्स बिकॉज ऑफ द एफर्ट इन्वॉल्व एंड बिकॉज द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा मे बी मिस्ड।
तो आप लोगों को क्या कहा जाता है जब आप लोगों को ये क्लासेस बनाने और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैसेज कन्वे करने में थोड़ी मैम ये कुछ स्टूडेंट्स हो रहे हैं इनको भी ऐड कर दीजिएगा, वो मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मैम ऐड नहीं कर रही। ओके आप लोगों को प्रीवियस जो मैंने एग्जांपल दिखाई मैं जरा पेज को ऊपर करती हूँ। ये देखें इसमें आपके पास तीनों हिस्टोग्राम थे, तीनों का स्प्रेड 100-100 का था लेकिन तीनों की लोकेशन चेंज थी। एक की लोकेशन 400 थी, एक की लोकेशन 300 थी, एक की लोकेशन 600 थी, तीनों की लोकेशन चेंज थी। ठीक है स्प्रेड एक जैसा था तीनों डेटा का। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तीनों की लोकेशन आपकी सेम है यानी 400 पहले ग्राफ की भी, सेकंड ग्राफ की भी लोकेशन 400 है, थर्ड ग्राफ की भी लोकेशन 400 है लेकिन अब तीनों का स्प्रेड चेंज है। देख सकते हैं 400 में आपके पास 100 का डिस्टेंस है, 500 माइनस 400, 300 माइनस 400 यानी 100 का आपका वेरिएशन यहाँ पर है। यहाँ पर आपके पास कितनी है 50 की वेरिएशन है। ये देखें 400 से 450 तक, यहाँ से 350 तक, तो यहाँ पे 50 की वेरिएशन है। यहाँ पे आपकी वेरिएशन और ज्यादा स्प्रेड है आपके डेटा में यानी 400 से लेके आप लोग 200 तक जा रहे हो और यहाँ पर 600 तक जा रहे हो, तो आप कह सकते हो 200 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपकी वेरिएशन है। तो अब आप लोग जब इन तीनों को कंपैरिजन करते हो जिनकी लोकेशन सेम है और उनकी स्प्रेड को हमने चेक किया, तो जब आप इन तीनों का ए बी सी का कंपैरिजन करने जाओगे तो आप कहोगे कि सी आपके पास जो ग्राफ है इसमें वेरिएशन ज्यादा है, इस ग्राफ में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। सेकेंड आपका बी ग्राफ जो है इसमें वेरिएशन बहुत ही कम है। थर्ड आपका ए जो ए आपके पास ग्राफ है इसमें आपकी वेरिएशन बहुत ही मतलब नॉर्मल वेरिएशन है। लेकिन आपके पास इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें जो नॉर्मल ग्राफ बन रहा है वो आपके पास ए ग्राफ बन रहा है। नॉर्मल ग्राफ सबसे बेस्ट ग्राफ कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और इसका आपका डाटा भी गुड कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पहले राइज हो रहा होता है फिर एक पॉइंट पर पीक होता है, पीक के बाद ये डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप लोग अपने हिस्टोग्राम्स को, यहाँ पे मैंने आपको शेप से बताया कि आपके हिस्टोग्राम होते क्या हैं और किस तरह से, ये कौन है जी, अपने माइक ऑफ कर दें सब। चलें अब नेक्स्ट आते हैं कि हम लोग हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। This one. हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है क्योंकि मैंने बताया हिस्टोग्राम आपके पास तब कंस्ट्रक्ट होता है जब आपके पास कुछ क्लासेस हो उनके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्वांटिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तब आप लोग हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या करना है आप लोगों ने, आपके पास एक सामने एग्जाम्पल नंबर 2.4 शो हो रही है जिसमें बताया गया है द डायरेक्टर ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्सिस इन मॉनिट्रियल कैनेडा इज इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द टाइम नीडेड फॉर रिस्पॉन्स टीम्स टू रीच देयर डेस्टिनेशंस इन इमरजेंसी सिचुएशंस आफ्टर लीविंग देयर स्टेशंस। शी हैज एक्वायर्ड द रिस्पॉन्स टाइम फॉर 1,220 कॉल्स लास्ट मंथ। टू डिवेलप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको बनाना आती है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कैसे बनानी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट हो गई। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है, बहुत ही इजी वे है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम क्या है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। देखना आपके ग्राफ पे और मुझे आंसर करें कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। मेरे ख्याल में आपकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वो 31 है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है 195, ठीक है। अब आपने इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे,
पेंसिल के साथ एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दोगे। बॉल पॉइंट भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन बहुत ही नीटली आप लोगों ने ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, देन वाई एक्सिस ड्रॉ करो। एक्स एक्सिस पे जो आपकी क्लासेस हैं उनको शो करना है आपने, और वाई एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको शो करना है। पहले एक्स एक्सिस की तरफ आते हैं, आपकी क्लासेस क्या है यहाँ पर, आपकी क्लासेस आप लोग देख रहे हो 0 से लेके 30, 30 से लेके 60, 60 से लेके 90। सो आपने इक्वल डिस्टेंस पे अपने स्केल से चेक कर लेना, 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख लेना, 0 से लेके 30, 30 से लेके 60, 60 से लेके 90। सो ऑन आपने क्लासेस को इस तरह से मार्क कर देना है एक्स एक्सिस को। जब आपकी क्लासेस मार्क हो जाएंगी तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो आपने वाई एक्सिस पर उसकी स्केलिंग करनी है। स्केलिंग करने के लिए मैंने आपको कहा पहले आप लोग मिनिमम नंबर देखोगे और मैक्सिमम नंबर देखोगे। आप लोग देख रहे हो आपका मिनिमम नंबर 31 है और मैक्सिमम 195 तक जा रहा है, यानी 200 तक। तो आप लोगों ने यहाँ पर 50-50 का जो है स्केल सेट कर दिया, 0 से लेके 50, 50 से लेके 100, 100 से लेके 150, 150 से लेके 200। तो 50-50 के गैप से आप लोगों ने यहाँ पर स्केल सेट किया, ठीक है। आप लोग चाहो तो 20-20 के गैप से भी स्केल सेट कर सकते हो, 10-10 के भी गैप से स्केल सेट कर सकते हो, इट्स योर ओन। लेकिन आप लोगों को ऐसा स्केल सेट करना चाहिए जिसमें आपका ये ग्राफ जो है आपके पेज के ऊपर कवर हो जाए, बहुत ज्यादा जो आपके हाइट के एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ना बने, बहुत ज्यादा छोटे रेक्टेंगल्स ना बने, नॉर्मल किस्म का आपका ग्राफ बने। तो अपनी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की देखते हुए आप लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। यहां तक आपको समझ आए? कोई क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ लें। हाशिम बेग यहाँ पर कहाँ से आ गया? हाशिम बेग ने क्यों मीटिंग ज्वाइन कर ली है? मैम ये हर दफा याद आता है। हाशिम आपकी क्लास तो 2:30 पर है। चलें। ओके क्लास, आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों ने जो हिस्टोग्राम है वो कैसे ड्रॉ करना है, बहुत ही इजी होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपने माइक ऑफ कर दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है फिर ऐसे इंप्रेशन गलत जाता है। ओके गुड। सो एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने क्लासेस शो कर दी, वाई एक्सिस पर उसका स्केल सेट कर दिया, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब आपने एक्स एक्सिस को लेबल भी करना है और वाई एक्सिस को भी लेबल करना है। एक्स एक्सिस का नाम क्या होगा? इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम, या आप नीचे लिख सकते हो क्लास बाउंड्रीज, डजंट मैटर, ठीक है। आप क्लासेस भी लिख सकते हो और क्लासेस का नाम भी लिख सकते हो जिसकी क्लासेस आपने डाटा की बनाई हुई है। देन यहाँ पर आपकी वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी लिखोगे, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी को हमेशा शो करते हो वाई एक्सिस पर। लिख लिया, लिखने के बाद अब आपका काम क्या होगा, आपने पॉइंट्स को मिलाना है फ्रीक्वेंसी वाइज। अब 0 से 30 की क्लास में देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं जरा इसको मिनिमम करती हूँ पेज को। ओके, 0 से 30 में आप देखें फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 36 नजर आ रही है आपको स्क्रीन पर। आपने 36 यहाँ पर अपने ग्राफ पे चेक करना है कि स्केल में 36 कहाँ है। फिर वहां से 0 से स्टार्ट करके 30 तक इस तरह का आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि रेक्टेंगल की विड्थ क्या होती है? विड्थ वही होगी जो 0 से 30 की क्लास की आपने विड्थ रखी होगी, ठीक है। यानी डिस्टेंस क्या होगा, 0 से लेकर 30 तक जो डिस्टेंस होगा उतने ही आपकी रेक्टेंगल का डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। और रेक्टेंगल की जो हाइट होती है वो बेसिकली आपके इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को शो करेगी। यानी फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी अगर 36 है तो ये आप लोगों की इस तरह से 36 फ्रीक्वेंसी शो हो जाएगी। देन 30 से लेके 60 तक सेकेंड क्लास है आपकी, तो 30 से लेके 60 तक जो आपकी सेकेंड क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी आपने देख ली है वो क्या है, 68। तो 50 से यहाँ पर 50 एंड 60 यहाँ पर आपकी बनती है 68। अप्रोक्सीमेटली आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। समटाइम्स आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि 68 है तो 8 नंबर भी कहाँ से लाइंस को काउंट करके हम लोग निकालें, तो आप अप्रोक्सीमेटली 60 भी शो कर सकते हो, डजंट मैटर, क्योंकि ग्राफ में आपके पास माइनर जो होते हैं ना नंबर्स उनको इग्नोर किया जा सकता है। देन थर्ड वन आपकी 60 से लेके 90 तक 195 आपकी फ्रीक्वेंसी है, 60 से लेके 90 तक 195 आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई।
ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 260 फ्रीक्वेंसी है. ओके, देन आप लोगों की 90 से 120 तक 180 फ्रीक्वेंसी है, उसका आप लोगों ने इस तरह से बार और रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया. अब आप देख रहे हो तमाम रेक्टेंगल्स आपस में मिली हुई है, तो हिस्टोग्राम की यही पहचान होती है जो आप लोग रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हो आपस में जुड़ी हुई होती है. ठीक है, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती है आपके पास. ओके, सो जब आप लोगों ने तमाम फ्रीक्वेंसीज के रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लिए तो आपके पास एक हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया. और हिस्टोग्राम की पहचान क्या होती है, इस तरह से रेक्टेंगल्स आपस में मिले होते हैं और आपको ट्रेंड डाटा का बता रहे होते हैं. आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट पे आपका डाटा जो है वो राइज होना शुरू हो रहा है. अगर इन तमाम रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाएं तो देखें यहाँ से सेकेंड क्लास तक राइज हुआ, थर्ड क्लास पे राइज हुआ, फोर्थ क्लास में मिनिमम सा ये डिक्लाइन हो गया यानी नीचे की तरफ आ गया, फॉल कर गया, देन अगेन इसने पीक पकड़ी और ये राइज हो गया डाटा, फिर ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होना शुरू हो गया डाटा. तो इस तरह से जो होता है डाटा आपका ट्रेंड बताता है. ओके, और डाटा का सेंटर क्या है, सेंटर भी आप देख सकते हो. डाटा का सेंटर क्या है, 120 से लेके 150 तक आपका डाटा का सेंटर है, यानी 120 से 150 के दरमियान का जो पॉइंट होगा वो आपके डाटा का सेंटर होगा. ये डाटा की लोकेशन बताता है. दूसरा डाटा का स्प्रेड हम देखते हैं. डाटा का स्प्रेड आप देख सकते हो 150 पॉइंट से लेके जीरो तक कितना डिस्टेंस है आपका, यहाँ से 150 से लेके 300 तक कितना डिस्टेंस है आपका. तो ये आप लोगों का स्प्रेड बताता है, यानी 150 का अप्रोक्सीमेटली जो स्प्रेड है आपके ग्राफ का है. सो इस तरह से आप लोगों ने अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया. हिस्टोग्राम क्या होता है, ये हिस्टोग्राम को ड्रॉ कैसे किया जाता है, ये आज आप लोगों ने सीख लिया. अब आप लोगों ने कहा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हो, वरना मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ. एनी क्वेश्चन? जी सैफ खान.